हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों का सीज़न हो और अगर हमें कुल्फ़ी मिल जाए, वो भी घर की बनी हुई, तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुल्फ़ी की एक और नई रेसिपी, मैंगो कुल्फ़ी, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही झटपट ही कुल्फ़ी बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए मैंगो कुल्फ़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में हम डाल देते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है फुल क्रीम मिल्क। 1 लीटर मिल्क को भी हम पैन में ट्रांसफर कर देते हैं और इसके बाद फ्लेम को हम करेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसे हम एक बॉईल आने तक गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब हम फ्लेम को कर देते हैं लो टू मीडियम। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मिल्क को अच्छे से थोड़ा सा है ना गाढ़ा होने देंगे। बीच बीच में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी मिल्क पर इस तरीके का ये यहाँ पर मलाई जो इसमें जमती है ऊपर और जो पैन में साइड में जो स्टिक हो जाता है, उसे भी हमने इस तरीके से एक स्पैचुला या फिर एक करछी की हेल्प से इसे दूध में मिक्स करते जाना है, जिससे कुल्फ़ी का जो टेक्सचर है और टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मलाईदार आएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि मिल्क को कंटिन्यूसली अगर हम नहीं चला सकते तो उसे हमें बीच बीच में इस तरीके से स्क्रैप करते हुए, दूध में से मिक्स करते हुए इसको चलाते रहना है। यहाँ पर मिल्क जो है वो गाढ़ा हो गया है थोड़ा सा, और क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं, हमने जब 1 लीटर मिल्क गर्म किया था तब इसकी क्वांटिटी कितनी थी और अब मिल्क जो है वो हमारा कितना रह गया है। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे 1/4 कप शुगर और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हम थोड़ा सा और गाढ़ा होने तक इसे हम कुक कर लेते हैं। यहाँ पर शक्कर अच्छे से घुल चुकी है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट जो है कुल्फ़ी का बहुत अच्छा आता है। और फिर यहाँ पर हम डालेंगे कुछ कटे हुए पिस्ता और यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस का फ्लेम जो है हम उसको ऑफ कर देते हैं। इसे हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इतना ही हमें इसे थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस हमें इतनी ही रखनी है, बिकॉज ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक हम मैंगो कुल्फ़ी के लिए मैंगो का प्योर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बॉल चॉप मैंगो लिया है। यहाँ पर मैंने अल्फेंजो वैरायटी का मैंगो लिया है, आप कोई भी मैंगो इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम मैंगो के पीसेस को ट्रांसफ़र करके एक इसका स्मूथ प्योर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने मैंगो का प्योरे अच्छे से रेडी कर लिया है और इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक हाफ, जो मैंगो हमने लिया था उसका मैंने आधा से थोड़ा सा कम मैंगो बचा के यहाँ पे मैंने रखा है, और इसे हम जो है अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मैंगो को चॉप कर लिया है, इसे हम रखेंगे साइड में। और देखिए ठंडा होने के बाद ये एकदम एकदम थिक हो चुका है, एकदम गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे मैंगो प्योरे। मिल्क के बैटर में अब हम मैंगो का प्योरे जो है वो ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर जो चॉप किए हुए मैंगो थे, एकदम बारीक बारीक चॉप करके रखा था हमने, उन्हें भी हम मिल्क में ऐड कर देते हैं कुल्फ़ी के बैटर में। और मैंगो कुल्फ़ी का जो बैटर है वो मैंगो कुल्फ़ी से ऐड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से मोल्ड में हम बैटर को जो है पोर कर देते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप यहाँ पर डिस्पोजेबल जो कप आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कुल्फ़ी बहुत अच्छे से सेट होती है। इस तरीके से इसे हम कवर कर देते हैं और अब हम इस मोल्ड को फ्रीजर में सेट होने के लिए रख सकते हैं, या तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं या फिर 6 से 8 घंटे में हमारी कुल्फी जो है वो सेट हो जाएगी और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम फ्रीजर में रखते हैं। अब यहाँ पर 8 घंटे हो गए और कुल्फी जो है अच्छे से सेट हो गई। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक बोल लिया है और बोल में मैंने नॉर्मल जो वाटर होता है वो टैप वाटर लिया है। इस कुल्फी मोल्ड को हम इस
बोल में थोड़ा सा 5 to 10 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि कुल्फी हमारी इजीली जो है वो मोल्ड से डीमोल्ड हो सके। यहाँ पर कुल्फी को मोल्ड से निकालने के बाद इसे हम प्लेट में रखेंगे और बारीक कटे हुए पिस्ता से इसे गार्निश करेंगे। तो हमारी मैंगो कुल्फी बनके रेडी है, आप इसे एंजॉय करिए। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।